नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। हाजिर हूं आज फिर एक धर्म से संबंधित पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से लेकर अंतिम संस्कार पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कि किसने किया था भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार और वो कौन सा अंग था जो नहीं जला अंतिम संस्कार करने के बाद भी। साथियों, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है और सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके बाद भी उनके शरीर का एक अंग जीवित था। मित्रों, हो सकता है यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार आज भी भगवान श्री कृष्ण का एक अंग जीवित है, जिसे एक मंदिर की मूर्ति में सुरक्षित रखा गया है। आखिर श्री कृष्ण का वो कौन सा अंग था और उसे कहां रखा गया है, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो साथियों, इससे पहले मेरे चैनल को अपनी प्यारी सी उंगलियों से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही धर्म से संबंधित वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों, द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तो ये उनका मानव रूप था और सृष्टि के नियम के अनुसार हर मानव की तरह भगवान विष्णु के इस रूप की भी मृत्यु होनी निश्चित थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध होने के बाद गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा और तुम्हारे वंश का भी आपस में लड़ते झगड़ते विनाश हो जाएगा। और मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गंधारी के श्राप का असर आरंभ होने लगा। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गया और एक ग्रह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी और एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे, तभी जरा नाम का बहेलिया हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जरा ने कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया और वो तीर श्री कृष्ण के पैर पर लग गया। जैसे ही बहेलिए को अपनी गलती का एहसास होता है वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। जरा को नहीं पता था कि उनके हाथों ही श्री कृष्ण के पैरों पर तीर लगाना स्वयं भगवान की लीला का एक हिस्सा था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसकी कोई गलती नहीं है बल्कि इसी तरह उन्हें धरती त्यागनी है। भगवान ने बताया कि त्रेता युग में श्री राम के अवतार के रूप में उन्होंने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को छुपकर मारा था, पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिलनी ही थी और जरा ही पिछले जन्म में वो बाली था। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा शरीर त्यागने के बाद अर्जुन और बलराम ने उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समा गया लेकिन उनका हृदय वैसे ही धड़कता रहा। इस दृश्य को देखने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। साथियों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है, जहां एक मूर्ति के अंदर उसे रखा गया है। भगवान के इस हृदयांश को ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी यह कहानी, ये कमेंट में बताना ना भूलें और एक लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।